विदिशा में कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का पुतला दहन किया। कांग्रेस जनों ने पुतला दहन करने के पूर्व इन नेताओं के पुतले को अपने कार से रौंदा और इस बात का एहसास कराया कि आम जन को कार से रौंदने के बाद कितनी तकलीफ होती होगी। पार्टी जनों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी किसानों का हत्यारा कहा है। विदिशा के स्थानीय नीमताल चौराहे गांधी चौक पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे, जिन पर किसानों की हत्या का केस दर्ज हो चुका है, दोनों का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान किसानों को कारों से रौंदने के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सब साथ हैं। आप ये देखिए कि किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी और उनकी हत्याएं कर दी, जिसको लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री के बेटे का आज हमने यहाँ गाड़ी से उनके पुतले के ऊपर ये चढ़ाकर ये दर्शाया है कि जब आम जनता के ऊपर आप लोग गाड़ी चढ़ा रहे हो, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो, तो कितना दर्द होता है। और वो उस दुनिया में नहीं रहे अब तो। हम कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ है, आम जनता के साथ है, उसका हम विरोध प्रदर्शन करने आज सब लोग कांग्रेस वरिष्ठ साथियों के साथ यहाँ मौजूद हुए हैं इकट्ठे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।